नमस्कार दोस्तों, मैं रिंकू पुंडी, के आर टेक माइंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर आपको बताने जा रहे हैं कि आपका अगर इन्वर्टर चार्जिंग नहीं ले रहा है, मेन ऑन है लेकिन प्रॉब्लम चार्जिंग की आ रही है, तो उसका सॉल्यूशन हम आज इस वीडियो के अंदर बताएंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो ये इन्वर्टर है, इन्वर्टर के अंदर मेंस ऑन है लेकिन ये चार्जिंग नहीं ले रहा है। इसे चेक करने के लिए सबसे पहले हम इसकी जो मेन केबल है जिससे पावर सप्लाई जाती है उसे देखेंगे कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। ये इसकी यूपीएस की मेन केबल है। अभी हम 5-पिन सॉकेट और प्लग दोनों को चेक करके देखेंगे खोल के कि इनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इनके वायरिंग तो नहीं फूकी हुई या फिर इनका सॉकेट तो नहीं फूके हुए। तो आइए इसे खोल के चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके 5-पिन सॉकेट को खोलेंगे। अभी इसके लिए हमें कुछ औजारों की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें हम इसको ड्राइवर लेते हैं और प्लस ये कटर लेते हैं। बोर्ड को खोलते हैं। इस 5-पिन सॉकेट को हम खोलेंगे और इसको प्लग को भी लगा लेंगे। हमने अलग कर दिया है और कमरे की जो इन्वर्टर की लाइन है कट हो गई है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है स्विच है वो फूका हुआ है, ब्लैक कलर हो रहा है इसके स्विच के जो अंदर जो बोल्ट है उसका, और प्लस इसकी जो वायरिंग है मेन वो फूकी हुई है और इसके वो भी फूका हुआ है पूरी तरीके से, अंदर से शायद जल गया है। तो दोनों ही को खोल के देख चेक करेंगे कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है। आप अभी देख सकते हैं इसके अंदर जो पिन प्लग है उसके अंदर जो तार लगे हुए हैं वो काफ़ी फूके हुए हैं। इसमें एक वायर है वो बिल्कुल फूका हुआ है जिससे हमारा जो मेन ऑन है लेकिन यूपीएस चार्जिंग नहीं रहा है। दिक्कत इसी की आ रही है इसके अंदर। बाकी इन्वर्टर सही है, इसे हम चेंज करेंगे प्लग को और साथ ही इस बोर्ड को भी चेंज करेंगे जो कि ये ख़राब हो चुका है। तो अभी इस प्लग को चेंज करने के लिए इसकी वायरिंग को खोलेंगे। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये हम खोल लेते हैं इसे ध्यान से, जिससे ये हमने इसे खोल लिया। पूरा बोर्ड फूका हुआ है और साथ में प्लग भी फूका हुआ है। ये हमने इसे खोल लिया है। इस बोर्ड को भी खोल लेते हैं, इधर से भी खोल लेते हैं। ये हमने प्लग निकाल लिया है और इसके जो वायर है वो वायर भी काफ़ी फूका हुआ है, इसे भी छील लेंगे। छील के इसके कॉपर के तार को निकाल लेंगे। बोर्ड को अभी खोलते हैं लेकिन उससे पहले हम इसके प्लग को लगाएंगे जो कि 16 एम्पियर का है, और इसके बाद हम बोर्ड को चेंज करेंगे। तो इसे पहले खोलते हैं। प्लग को खोलने के लिए बीच वाले बोल्ट को खोलेंगे, ये आसानी से पूरा खुल जाएगा। ये हमने इसे खोल लिया है। ये भी खुलने के बाद इसके बोल्ट को खोलेंगे। इसके बाद जो ये तार जला हुआ है इसका एक, इसे हम छीलेंगे। छीलने के बाद इसे फिर इसके कॉपर को निकालेंगे। ध्यान से निकालना है क्योंकि ये हाथ से अगर टच हो गया तो इन्वर्टर का बैक करंट मार सकता है। कृपया इस वीडियो को पूरा देखें तभी आपकी समझ में आएगा किस तरीके से क्या प्रॉब्लम कहाँ पर आती है। ये हमने तार छील लिया है, अब इसे लगाएंगे। अब हमने ये प्लग चेंज कर दिया है और इसके बाद हम ये बोर्ड चेंज करेंगे।
बोर्ड चेंज करने के बाद प्लग और बोर्ड में 5 पिन सॉकेट में लगा के देखेंगे प्लग को कि ये का चार्जिंग ले रहा है नहीं ले रहा। तो अभी हम इस बोर्ड को चेंज करते हैं। ये ख़राब बोर्ड हमने निकाल दिया है। अब इसके बाद हम ये दूसरा बोर्ड हम पे रखा हुआ है जिसके अंदर 5 पिन सॉकेट लगा हुआ है और एक स्विच लगा हुआ है 16 एम्पियर का, तो इसे अभी हम इसके अंदर लगाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि लाइट चालू है तो आपको MCB डाउन कर लेनी है, क्योंकि मैंने MCB डाउन नहीं करी है तो इसी वजह से मैं इसे चालू लाइट पर ही काम कर रहा हूँ। ध्यान रखें। अब इसके अंदर हम ये प्लग लगा के देखेंगे कि हमारा जो UPS है वो मेन से चार्जिंग पे आएगा या नहीं। तो इसे पहले हम बोर्ड को कस लेते हैं। हमने इस बोर्ड को कस दिया है, अब इसमें हम ये प्लग लगा के देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे इन्वर्टर हमारा मेन से चार्जिंग पे आता है या नहीं। तो अभी हम इस प्लग को इसके अंदर आराम से लगाते हैं। अभी हमारे घर में जो इन्वर्टर की लाइट आ गई है, लेकिन अभी इन्वर्टर को देखते हैं कि मेंस पे अभी हटके चार्जिंग पे गया है या नहीं। अभी देखो, अभी ये चार्जिंग पे इन्वर्टर जा चुका है और चार्जिंग लेने लगा है। इसके अंदर जो है हमने प्लग चेंज किया, बोर्ड चेंज किया जो कि फूका हुआ था, प्लग भी फूका हुआ था, दोनों को चेंज किया। इन्वर्टर के अंदर जो है मेन हटने के बाद चार्जिंग लेने लगा। तो ये प्रॉब्लम थी इसके अंदर जिसका हमने सॉल्यूशन किया। तो इस सॉल्यूशन को आप घर बैठे भी कर सकते हैं। तो मेरा इस वीडियो के अंदर यही मकसद था कि आप अगर कोई भी दिक्कत घर में आ रही है आपके, थोड़ी बहुत बिजली की, वायरिंग की या फिर किसी भी चीज़ की, तो आप अपने हाथ से करने की कोशिश करें, और अगर नहीं होता है तभी आप इलेक्ट्रीशियन को बुलाएँ। तो आज हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।